आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मानवता को शमसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। मामला थाना रकाबगंज के ताजमहल रोड का है। एक भिखारी का शव दो दिन से रोड पर पड़ा रहा। खबर फैलने पर सीओ और एसपी सिटी भी मौके पर पहुंच गए। ताजनगरी आगरा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली। थाना रकाबगंज इलाके के ताजमहल रोड पर एक भिखारी का मृत अवस्था में शव दो दिनों से रोड पर पड़ा रहा। आते जाते लोग उसे देखकर निकल जाते। वहीं आगरा पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो इस मार्ग पर हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं और जिले के आला अधिकारी भी इस वीआईपी रोड से गुजरते हैं, मगर दो दिन से इस भिखारी का शव रोड पर पड़ा रहा। एक भिखारी मृत अवस्था में एक बिजली के खम्भे के सहारे रोड पर पड़ा हुआ था। जब की जानकारी इलाकाई पुलिस को दी तो आनन फानन में इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची। मैं वही बता रहा हूं, मतलब कि पहले पुलिस गश्त भी लगाती थी यहां पे, अब गश्त भी नहीं लगाती है पुलिस, तो इसी वजह से इतने दिन से पड़ा है यहां पे। अगर जो पुलिस गश्त लगाती तो इसकी लाश को उठा लिया जाता। कब से पड़ा हुआ है यहां? आज इसको तीसरा दिन चालू है। रहने वाला कुछ पता है आपको? ये तो पता नहीं, बाकी इसको एक जना उधर से लेकर है और यहां पे छोड़ के गया था। पता नहीं, उसके हाथ में डंडा था तो उधर पुलिस वाले भी है जो मंटोला चौकी है उधर से ही लेके आता हूँ, वहाँ पे बैठते हैं। कैसे मौत हुई कुछ पता है आपको? ये तो पता नहीं, इसको ये यहाँ पे आने के बाद अब आज इसको तीसरा दिन है। काज जायसवाल और एसपी सिटी प्रमोद बोथरे मौके पर पहुंचे और भिखारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इकाई पुलिस को निर्देश दे दिए कि वो भिखारी की जानकारी ले। देखिए, अभी एक डेड बॉडी मिली है यहाँ पे, आसपास से लोगों को पता चला कि ये भीख मांगता था और एक्सपायर हो गया है, इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, इसकी जाँच की जाएगी कि क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि इतने दिनों तक शव कैसे पड़ा रहा? क्या किसी की इस पर नजर नहीं पड़ी या फिर इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? सी न्यूज के लिए राकेश कन्नौजिया की रिपोर्ट।